मध्य प्रदेश चयनित अभ्यर्थी संघ ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सब्जी की दुकान, भुट्टे की दुकान, मास्क व जूते चप्पल पॉलिश करके अनोखी तरह से विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश चयनित अभ्यर्थी संघ के सदस्यों का कहना है कि हमें नियमित न करने के कारण जीवन यापन मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें जूते चप्पल पॉलिश करना पड़ रहा है, जबकि हम उच्च शिक्षित हैं। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। को लेकर आज सुबह से बैठे हैं आप यहाँ पर? सर, हमारी 2018 की भर्ती थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, बीच में चालू भी हुई थी, फिर बंद कर दिया गया है। पिछले 2-2.5 साल से हम बिल्कुल बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारे साथी शिक्षक आप देख सकते हैं, हम तो महिलाएं हैं, घर पे भी बैठ जाएंगे, पर जो मेल पर्सन है उनका क्या होगा? काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ये क्या है, गवर्नमेंट ने उसको बीच में ठप कर दिया। 3 दिन चली काउंसलिंग, बाकी दिन चल नहीं पाई। कोरोना का बहाना, परिवहन का बहाना, ये कोई बहाना थोड़ी ना सर। उसके बाद ये सब बंद होने के बाद भी 2 महीना बीत चुका है, अभी तक सरकार कोई कदम ले नहीं रही है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती रंजीता। वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी, जो तत्कालीन सरकार ने परीक्षा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिया, फिर नई सरकार आई, नई सरकार ने शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाई, फिर वापस से सरकार बदल गई और हमारे जो दस्तावेज सत्यापन का जो कार्य है वो नई सरकार के दौर में चलता रहा। फिर कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सरकार ने हमारे दस्तावेज सत्यापन का काम रोक दिया गया। जैसे ही हमारे दस्तावेज सत्यापन का काम रोका गया, उसके बाद से लेके सरकार ने कहा कि परिवहन बंद है, इसलिए हमने रोका है। फिर अभी परिवहन जब चालू हो गया है, अनलॉक 4 की प्रोसेस चालू हो गई है, अनलॉक 4 में सब आना जाना सब चालू है, फिर हमारे दस्तावेज सत्यापन क्यों रोके गए? सर, हम पिछले 10 सालों से हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से पीड़ित है। 2018 से लेके वर्तमान तक पिछले दो वर्ष से हम परीक्षा की तैयारी और ज्वाइनिंग के लिए पूरी तरह से संघर्षरत है। अब हमारे पास सामने कोई भी चारा नहीं है कि हम क्या करें। पिछले 6 महीने से तो लॉकडाउन में प्राइवेट संस्थाएं भी बंद है, हमारे भूखे मरने के दिन आ गए सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हम बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए हम ये दुकानें लगाने पर मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? उदेश चंद्रा बड़वा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।